अस्सलामुअलैकुम ग्लोइंग विद समर में आप लोग को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए हेयर मास्क लाई हूँ, वो भी बहुत अच्छा और मेरा फेवरेट है और उसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। बता देती हूँ हेयर मास्क के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एलोवेरा चाहिए होगा, एक अंडा चाहिए होगा, एक चम्मच बटर चाहिए होगा, एक चम्मच शहद चाहिए होगा। सही है, पहले मैं ये बनाना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। पहले हम अंडे को तोड़ेंगे। मैं पूरा अंडा ले रही हूँ, आप चाहें तो उसकी सफ़ेदी ले सकते हैं या जर्दी ले सकते हैं, मैं ये पूरा अंडा लूँगी। सही है, ये देखिए मैंने ये अंडा पूरा निकाल लिया। और अंडा जब भी निकाला करें तो उसको सूंघ लिया करें, कोई बदबू वदबू ना आए। सही है, इसके अंदर हम अब एक चम्मच तो आधा चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच हमारे पास मक्खन, ये आप देख सकते हैं मैंने आधा चम्मच ये बटर लिया है। फिर इसके अंदर डाल देंगे, ये देखें ये फट चुका है, ये देखिए फट चुका है। और अभी ये देखें इसमें ऐसे ये बटर है, ये ऐसे ही रहेंगे और जब आप बालों में लगाएंगे तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएंगे। ये जो मैंने मक्खन लिया है ये मेल्टेड वाला है, ये बालों में कहीं भी जाएगा मेल्टेड हो जाएगा। और एक बटर आता है जो मेल्ट नहीं होता, तो आप ऐसा करिएगा उसको चूल्हे पर हल्का सा मेल्ट करके डालिएगा। ऐसे तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। इसको आप महीने में एक दफ़ा लगाएंगे, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि ये आपका फेवरेट मास्क बन जाएगा। मैं ज़रूर इसको महीने में एक दफ़ा लगाती हूँ, एक से दो दफ़ा महीने में लगाती हूँ और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और सबसे अच्छा बटर से बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने अमेजिंग, मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए मैं इसको प्रोटीन मास्क बोलती हूँ। ये देखिए, ये हम आधा चम्मच इसके अंदर शहद डालेंगे और उसके बाद इसको हम फेंट लेंगे। ये देखिए हमने शहद डाल के फेंट लिया है, अब ये रेडी हो चुका है। ये बहुत अच्छा मास्क है। आपके पास शहद ना हो तो शहद भी छोड़ सकते हैं, एलोवेरा जेल ना हो वो भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ अंडा और बटर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, महीने में एक दफ़ा भी लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा। ये मास्क रेडी हो चुका है और मैं आपको अपने बालों पर लगा के भी दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है आपके सामने। और आपको अपने बाल की लेंथ नोट करनी हो तो एक महीना पहले अपने बालों की पिक्चर खींचें और उसके बाद फिर एक महीने के बाद दोबारा अपने बाल की पिक्चर खींचें और फिर कंपेयर करें कि हमारे बाल कितने बड़े हैं। इसी तरह आप अपने बाल की ग्रोथ, मैं आपको बताती जाऊँ, ये बालों को मजबूत करेगा, ये बालों को लंबा नहीं करेगा। जब बाल मजबूत होंगे तो खुद ब खुद अच्छे रीग्रोथ होंगे, अच्छे लंबे होंगे। बाल मजबूत होने चाहिए, हम सब लंबे करने में लगे रहते हैं, बाल मजबूत होंगे जभी तो अच्छी ग्रोथ होगी। और इसमें सारी चीज़ें हैं वो प्रोटीन बालों को बचाएंगी, ये सारी चीज़ें बालों को मैनेज करेंगी। ये आप देख सकते हैं मास्क आराम से लग चुका है, मक्खन आराम से मेल्ट हो गया और बाल देखिए कितने रूखे हो रहे हैं। और अब ये बाल धुलने के बाद रिजल्ट है कि बाल कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, कितने और आपके सामने बाल कितना शाइनिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ, ये ज़रूर आप मास्क इस्तेमाल करिएगा। और आपने मैंने आपको रिज़ल्ट भी दिखा दिया कितने बाल मैनेज और कितने अच्छे बाल हो जाते हैं। इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।